अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक हो? आज का हमारा मौजू है गेहूं का दाना, क्लास 8वीं, सफा नंबर 42, 42। गेहूं का दाना, ये आज हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सवाल। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए, क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल ले लिया हो गया, खरीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अकलमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचा गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उस में छेद कर दिया, छेद हो गया, सुराख कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसे, कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो दो लाठियों के सहारे चलता था, उसके बाल सफेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी ना था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने अभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? तो ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा है। आज के लिए इतना ही, कल इसे आगे पढ़ेंगे। ये कुछ अल्फाज बानी हैं, देख लो। दरियाफत करना, मालूम करना, मुतमिन होना, इत्मीनान रखना, हाजिर, मौजूद, सामने, रवाज, तरीका, करीब, नज़दीक, छेद, सुराख। दरियाफत करना, मालूम करना, मुतमीन होना, इत्मीनान रखना, हाजिर, मौजूद, सामने, रवाज, तरीका, करीब, नज़दीक, छेद, सुराख। तो ये था हमारा आज का मौजू, गेहूं का दाना। आधी कहानी हमने पढ़ी है, उसके लफ्ज़ मानी, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।